Hi guys, I'm Shivamukta. Welcome to Mock Zone MBA Preparation. So guys, today's video is going to be extremely important for those who applied for IFMR Chennai D-School, because in this video, I'm going to discuss about the PI preparation strategy for IFMR. काफी लोगों के पिंग्स आ रहे हैं रिगार्डिंग IFMR की उसका इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में, कुछ अगर आइडिया लग जाए कैसे प्रिपेयर करना है और क्या क्राइटेरिया है. ठीक है, यहाँ में हम गाइस सब बात करने वाले हैं रिगार्डिंग द सिलेक्शन प्रोसेस और आपका एलिजिबिलिटी वगैरह जो भी है. अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको PI में आंसर्स कौन कौन से प्रिपेयर करने हैं, तो ये वीडियो के बाद आपको काफी क्लैरिटी आ जाएगी. ठीक है, एंड जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, लाइक करने से वीडियो ऊपर आ जाता है, काफी लोगों की हेल्प हो जाएगी. एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो, बिकॉज लगातार वीडियोस बन रहे हैं, बीट स्ट्रेटजी बेस्ड वीडियो, बीट कंटेंट बेस्ड वीडियो, बीट नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो. गाइस, एक इंपॉर्टेंट चीज है कि IFMR की डेडलाइन कल तक की है, 2 मई तक की, एंड CMAT का जो स्कोर कट ऑफ है वो 220 है. पहले परसेंटाइल पे था, बट इस बार परसेंटाइल मिला नहीं, स्टेट 220 आ गया है वो. ठीक है, चलो स्टार्ट कर लेते हैं. सो गाइस, ये एप्लीकेशन सिलेक्शन प्रोसेस है. तो एप्लीकेशन अगर आपको अप्लाई करना है ऐसा IFMR में, तो आप वेबसाइट में जाओ, उनकी अप्लाई नाउ में क्लिक करो, अपना लॉगिन क्रिएट करो, एप्लीकेशन फिल करो, एप्लीकेशन फीस पे करके आप डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करने हैं वो अपलोड करो, वो आप देख लेना. ठीक है, 1500 इज द एप्लीकेशन फी. एंड गाइस, सिलेक्शन प्रोसेस ये आप देख सकते हो. सिलेक्शन प्रोसेस में गाइस इस बार खाली PI है. ठीक है, मतलब यहाँ पे GD नहीं है, क्योंकि लिखा हुआ है एप्लीकेंट्स हु मीट ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंसीडर फॉर द पर्सनल इंटरव्यू इन द रैंक ऑर्डर ऑफ मेरिट. ठीक है, PI होगा उनका. शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को इंटीमेट किया जाएगा ईमेल के थ्रू और आपका डैशबोर्ड में भी आ जाएगा. ठीक है, मैं उसकी डेट्स बताऊंगा कब क्या होने वाला है. ठीक है, मोड ऑफ इंटरव्यू आपका ऑनलाइन हो सकता है या फिर आपको कहीं बुलाया जा सकता है. आई थिंक मेरे ख्याल से ऑनलाइन ही होना चाहिए, बट वो आपके पास आ जाएगा. ठीक है, तो ये चीज है मेनली. एंड जो राइटिंग स्किल्स है आपकी वो एक्सेस की जाएगी, आपका जो रिटन एग्जाम है उससे, मतलब आपका वेटेज होगा स्कोर का भी, और आपने जो फॉर्म में कुछ आंसर्स पूछे होंगे इन्होंने. ठीक है, वो आंसर अच्छे से आप लिखना बना के, कुछ आपके बारे में शायद स्ट्रेंथ वीकनेस कुछ पूछा होगा, तो वो भी आपका देखा जाएगा कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है, फिर आपका आपका ग्रामेटिकल एरर्स वगैरह तो नहीं, ऐसा कुछ. ठीक है, तो वो दोनों चीजों का वेटेज है, जो रिटन टेस्ट का स्कोर उसका भी, और जो एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपके आंसर्स आप दे रहे होंगे उसका वेटेज भी. तो बहुत ध्यान से उसको करना, और एक बार किसी से वेरीफाई करा लेना, किसी फैकल्टी या मेंटर से. ठीक है, तो अच्छा रहेगा आपके लिए. अब गाइस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा सा उसका अलग है. यहाँ पे उन्होंने डेट ऑफ बर्थ का भी क्राइटेरिया रखा हुआ है कि आपका अगर एज आपका आप अगर बॉर्न हुए 1 जैन के बाद, 1 जैन 1995 के बाद, ठीक है, तो आप एलिजिबल हो. तो ये चीज़ है. तो 1 जैन 1995 के लोग हैं जो, वो लोग अप्लाई ना करें, वो लोग एलिजिबल नहीं है, ऐसा उन्होंने बोला हुआ है. और 10-12 का भी इशू हो गया, 60-60 होना चाहिए आपका ग्रेजुएशन, 60 थ्रू आउट 60+ होना चाहिए मिनिमम. ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस के लिए गाइस ऐसा नहीं है कि फ्रेशर्स को नहीं लेंगे, फ्रेशर्स को भी लेंगे, बट जैसे आपका एक्सपीरियंस होगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको एडिशनल पॉइंट्स मिलेंगे. ठीक है, बाकी ये कट ऑफ था कैट का 75 वगैरह, बाकी CMAT मेन है हम लोग के लिए, CMAT का 220 स्कोर लिखा हुआ है. ठीक है, अब गाइस इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, तो राउंड टू है आप लोगों का, राउंड टू में एप्लीकेशन क्लोज हो रहा है 2 मई को, बताया मैंने इसे आपको. ठीक है, शॉर्टलिस्ट आपकी आएगी 4 मई को, आपका मेल आएगा, आपका डैशबोर्ड भी आएगा. इंटरव्यू की डेट 7 से 10 मई के अराउंड होगा. ठीक है, तो ज्यादा टाइम नहीं इंटरव्यू में, बैंक से 1 हफ्ता मान लो, और क्लासेस आपकी 1 जुलाई से, ऐसा बोला गया है. ठीक है, तो ये चीजें, तो गाइस ये इंपॉर्टेंट चीजें थी. अब बात आते हैं कि मेजर इंटरव्यू क्वेश्चन. तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है सारे भी स्कूल पे जो मेन HR क्वेश्चन होते हैं, एक बार बड़ा वीडियो देखना, उसमें क्या क्या होता है, जैसे कि अबाउट योर सेल्फ, YMBA, ठीक है, आपका स्ट्रेंथ वीकनेस, हॉबीज से बताया मैंने, बट ये कुछ और इंटरव्यू क्वेश्चन बता रहा हूँ, जैसे कि IFMR के बारे में अच्छे से पढ़ के जाओ गाइस. ठीक है, किसी भी कॉलेज का इंटरव्यू दो, उसके बारे में अच्छे से पढ़ो, उसका कोर्स करिकुलम अच्छे से करो, वहाँ की फैकल्टीज कौन है वो अच्छे से करो, पता होना चाहिए आपको, उसे इंटरव्यू को लगता है कि आपको वाकई इंटरेस्ट है, वैसे मेरे को पता होना चाहिए. ठीक है, क्या है YMBA विदाउट वर्क एक्सपीरियंस, काफी लोग फ्रेशर्स होंगे तो उनके लिए क्वेश्चन आ सकता है, इसको आप प्रिपेयर करो अच्छे से. ठीक है, अबाउट IFMR कोर्स करिकुलम फैकल्टी बता चुका हूँ. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए सब कुछ, इससे पता चलता है कि आप कितने अवेयर हो, कितना आप इंटरेस्टेड हो कॉलेज में. ठीक है, देन अबाउट ईयर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, ये मेनली उन लोगों के लिए जो लोग फ्रेशर्स हैं, फ्रेशर्स को एक्सपीरियंस का पूछ नहीं पाएंगे वो, तो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का आपको अच्छे से पता होना चाहिए, आपने क्या काम किया, उसे पता चलता है कि आपने वाकई काम किया है कि आपने खाली कहीं से खरीद लिया प्रोजेक्ट. ठीक है, एक्सपीरियंस अगर आपका है तो आपका जॉब का प्रोफाइल क्या था, आपने क्या काम किया, आपके अचीवमेंट्स क्या थे, वो सब भी. और गाइस मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ, क्योंकि ये जो IFMR कॉलेज है ये बहुत ज्यादा प्रोफाइल बेस्ड है, तो आप अपने इंटरव्यू में अचीवमेंट्स को कोई छोड़ना मत, अचीवमेंट्स बताने की कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा, उससे पता चलेगा कि आप वाकई ठीक हो. ठीक है, तो अचीवमेंट्स जहाँ पे भी आपके हुए हैं कॉलेज लेवल पे, एक्सपीरियंस जॉब लेवल पे, तो आप उसको जरूर बताना अपने अबाउट योर सेल्फ में भी, तो अच्छा रहेगा आपके लिए. ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको डालना पड़ेगा वो, और अबाउट योर सेल्फ एक ऐसा आंसर होता है जहाँ पे आप डाल सकते हो अचीवमेंट्स अपने. ठीक है, क्योंकि मान लो उन्होंने नहीं पूछा अचीवमेंट्स, आप बताओगे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा. ठीक है,
वाई फाइनेंस मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है गाइस, आईएफएमआर मेनली फाइनेंस के लिए सही माना जाता है, बट कुछ लोग बोल रहे हैं अब कि अब ये उन्होंने एक यूनिवर्सिटी है क्रिया यूनिवर्सिटी उससे टाइप कर लिया है कुछ, अब ऑल प्रोग्राम इक्वल हो गए ऐसा भी है। तो मेनली मैं मानता हूँ कि फाइनेंस के लिए हमने सुना हमेशा से इसको, फाइनेंस के लिए अच्छा है, बट अगर आप मार्केटिंग में भी जाना चाहते हो तो थोड़ा और रिसर्च करके जा सकते हो मार्केटिंग में, क्योंकि मुझे लगता है वेबसाइट देख के कि उन्होंने काफी ऑल प्रोग्राम से अपने आप को अच्छा करने का प्लान किया है, ठीक है, ऐसा नहीं खाली फाइनेंस के लिए है, ठीक है। बाकी अगर कुछ आप करंट स्टूडेंट्स क्या एलुमनाई से बात करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा लिंक्डइन वगैरह पे। ये आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज योर ड्रीम कंपनी। तो गाइस आपको कंपनी, आप जो ड्रीम कंपनी आप बोल रहे हो आप पहले देखो कि वो आईएफएमआर में आती है कि नहीं आती, तो ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी बोल दिया, मान लो बाई चांस मैकेंजी बोल दिया, मैकेंजी आती ही नहीं मान लो, ठीक है, तो फिर वो इश्यू हो जाएगा। तो पहले आप देखो प्लेसमेंट रिपोर्ट में कौन कौन सी कंपनीज आती है, उसके बाद उस रिसर्च करके तब बोलो, और वाई क्यों ये बोलना भी आपको जरूरी है, ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो गाइस ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मेनली आ सकते हैं, बाकी और क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जीडीपीआई का, बाकी बेसिक्स क्वेश्चन होते हैं, आपको अपने बारे में बताना चाहिए, स्ट्रेंथ वीकनेस हॉबीज, ठीक है, व्हाई शुड वी टेक यू, हाउ विल यू ऐड वैल्यू टू अवर इंस्टीट्यूशन, ये सब क्वेश्चन आपको आना चाहिए, ठीक है, बाकी ये जो क्वेश्चन मैंने बताए वो। और फिर बात करते हैं गाइस, अगर आप मान लो आपसे पूछते हैं कि आपको फाइनेंस क्यों चाहिए, आपकी स्पेशलाइजेशन कौन सी आपको चाहिए, आपने बोल दिया फाइनेंस, तो फाइनेंस के आपको बेसिक्स आना चाहिए, तो शेयर मार्केट के बेसिक टर्म्स आपको पता होना चाहिए, शेयर मार्केट में एनएससी बीएससी वगैरह जो भी होता है थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है, एसईबीआई वगैरह क्या करता है, रेगुलेट करता है, रेगुलेटिंग बॉडी कौन सी है, शेयर मार्केट ये सब पता होना चाहिए। म्यूचुअल फंड्स का बेसिक्स आपको आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एसआईपी वगैरह क्या होता है, लमसम अमाउंट क्या होता है, और कौन कौन से टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ठीक है, एक्टिव पैसिव म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, ओपन एंडेड क्लोज एंडेड फंड्स ये सब आपको आना चाहिए, अच्छा रहेगा आपके लिए, आपके लिए यहाँ पे भी अच्छा रहेगा, और सबसे अच्छा आपके इंटरव्यू में रहेगा जब आप वहाँ पे जाओगे समय प्लेसमेंट्स में, तब आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तो बेटर अभी पढ़ लो आप। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स वगैरह होने चाहिए, ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स बॉन्ड्स वगैरह आपको आना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है, टैक्सेस एंड इंटरेस्ट रेट्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, कुछ बैंक रेट्स वगैरह पढ़ने तो अच्छा रहेगा आपके लिए, और एफडी का क्या रेट चल रहा है वो सब आपको पता होना चाहिए। अकाउंटिंग बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप फर्स्ट ईयर में जाओगे तो आपको अकाउंटिंग पढ़नी पड़ेगी, अकाउंटिंग बेसिक्स को अच्छे से कर लेना आप, इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होते हैं, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, ठीक है, ये सब जो भी आपका इनकम स्टेटमेंट वगैरह होता है, ठीक है, ये सब आप अच्छे से कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है काफी। देन क्रेडिट डेबिट वगैरह पता होना चाहिए, और जितने भी बेसिक्स हैं इसके अराउंड जो टर्म्स हैं इंपॉर्टेंट, ग्लॉसरी आप देखोगे गूगल में डालोगे आपको बहुत सारी लिंक्स मिल जाएंगे जहाँ पे इंपॉर्टेंट ग्लॉसरी फाइनेंस की होगी, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए बेसिक्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रेशियोज आपको आना चाहिए, डेट इक्विटी रेशियो, क्विक रेशियो, करंट रेशियो, ये सब जो होता है बेसिक बेसिक आपको आना चाहिए, आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके थोड़ा एज हो जाएगी बाकी स्टूडेंट से अगर आपको सब चीज़ें बताओगे, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता है वो इंटरव्यूअर, बट ये सब तो बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए अगर आपको वाकई फाइनेंस करना है, क्योंकि आपको इंटरेस्ट फाइनेंस में, आपको फाइनेंस में ये सब नहीं आता तो आप क्या इंटरेस्ट है, ऐसा माना जाएगा। और आजकल इतने सारे यूट्यूब चैनल्स हो गए, प्रांजल कामरा और आपके एसएटी होगी, ठीक है, सीए रचना रानाडे, इन सब तीन चार चैनल्स हैं यूट्यूब में, उनको आप देख सकते हो, मैंने एक वीडियो बनाया है फाइनेंस पे पूरा, ये फाइनेंस को कौन से टॉपिक्स आपको करने हैं, तो वो वीडियो भी आप डालोगे आपको मिल जाएगा, फाइनेंस इंपॉर्टेंट फाइनेंस टॉपिक्स फॉर समर प्लेसमेंट्स, कॉमन लगा के मॉकजून डालोगे आपको वो मिल जाएगा, तो आपको और डिटेल चाहिए उसकी तो आप वहाँ से ले सकते हो, ठीक है, बट अभी के लिए इंटरव्यू के लिए सही है। तो गाइज ये इतना कर लोगे, और मेन चीज़ देखो यार वही है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स कैसा है, सब कुछ आपने कर लिया बट आप फंबल कर रहे हो, बोल नहीं पा रहे हो, तो सब गड़बड़ हो जाएगा, तो वो तो कुछ इंप्रूव कर नहीं सकते, और मैक्सिमम लोग मेरे ख्याल जो एक्सपीरियंस वाले होते हैं मेरे लिए उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक ही होती है, ठीक है, बट आंसर्स आप प्रिपेयर करके जाओ, मॉक पीआई देके जाओगे और नॉलेज अगर होगी तो आप निकल जाओगे आराम से, ठीक है, कोई इशू नहीं है, अच्छा कॉलेज है, डिसेंट कॉलेज है, 8-9 लाख का पैकेज लग जाएगा, बाकी फाइनेंस में तो मैं मानता हूँ कि अगर आपकी नॉलेज अच्छी है ना तो कॉलेज बहुत मैटर नहीं करता, आगे जाके आपका नॉलेज ही कम आने वाला है, फिर आप सीएफए वगैरह भी कर सकते हो आगे, ठीक है, और करना चाहिए जिसको फाइनेंस में इंटरेस्ट है। तो सो गाइस ये था हम लोग का डिटेल्स, आई गेस आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कैसे आपको आईएफएमआर की तैयारी करनी है, ठीक है, और एक डिसेंट ऑप्शन है जिसको ड्रॉप नहीं लेना है, आईएफएमआर एक डिसेंट ऑप्शन है, 8-9 लाख का पैकेज लग जाएगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई अगर सीडी तैयारी करना है देखें चेक आउट ऑफ सीडी कोर्स काफी डिटेल्ड है, सब कुछ हो रहा है, प्रैक्टिस सेशंस हो रहे हैं, आज हम लोग प्रैक्टिस सेशंस भी स्टार्ट कर रहे हैं टेलीग्राम में, लाइव क्लासेस लगातार चली रही हैं, अब हम लोग का ज्योमेट्री रह गया, ज्योमेट्री हम लोग करेंगे लाइव क्लास में, उसके बाद सिर्फ शॉर्टकट डिस्कशन है, जैसे मैंने बताया आपको पहले भी कि हम लोग का पूरा डिटेल्ड कोर्स होता है, एक एक चीज बहुत ही डिटेल में पढ़ाई जाती है वैरायटी के साथ, बिकॉज वी डोंट वांट कि आपको नया क्वेश्चन मिले, 550 टॉपिक टेस्ट, 18 फुल लेंथ रेलेवेंट मॉक्स, 3000 क्वेश्चन बैंक क्वेश्चंस का, और काफी कंटेंट ऐड होते रहता है, तो बहुत ही डेडिकेटेड कोर्स है, 2 महीने में आराम से चीजें हो जाएंगी, 5000 कोर्स है और काफी रेलेवेंट है, अच्छे से करोगे तो हो जाएंगी चीजें। गाइस एक बात याद रखना, चाहे जितने मॉक दे दो अगर आपने वैरायटी कवर नहीं करी आपका नंबर नहीं आएगा, ये मैंने देखा है हर बार ऐसा होता है,
तो काफी लोग अभी भी ग्रुप में लिख रहे हैं कि नंबर सिस्टम पढ़ने की जरूरत है कि नहीं है। तो गाइस आपको हर चीज पढ़ने की जरूरत है, कुछ भी आप छोड़ोगे तो आपका बहुत बड़ा लॉस है। ठीक है, ये चीज है तो देख लो। बाकी जेबीआई में एमएचआरडी का भी एग्जाम डेट आ गई 14 मई, एंड रिसेंट एग्जाम है गाइस जीके एंड क्वांट्स मेन है। एचआर में मेनली डिसीजन मेकिंग वगैरह आता है और एचआर के बेसिक्स आते हैं एंड साइकोमेट्रिक आता है। तो अगर आपको जेबीआई में एमएचआरडी का भी देखना है तो देख सकते हो, काफी ईजी एग्जाम है। ऐसा लगता है लोगों को टफ है बट मुझे लगता है रेशियो सेशन का बहुत अच्छा है। लास्ट ईयर 5 बजे सेलेक्ट हुए थे। तो हम लोग का जेबीआई में एमएचआरडी का भी कोर्स है, उसका प्राइस उन्होंने आप 1799 कर दिया है फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, क्योंकि अब टाइम कम है फुल कोर्स का विद जीडीपीआई एसओपी सब कुछ। तो आपको अगर इंक्वायर कर रहा हूँ जेबीआई में एमएचआरडी के कोर्स के बारे में, पिंग में एड्रेस नंबर माई नंबर मैं नंबर दिखाता हूँ आपको भी। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट ये रिव्यूज एंड रिजल्ट हैं। ठीक है, सो गाइस यहाँ पे आप इंक्वायर कर सकते हो व्हाट्सएप पे, मैं आपको डिटेल्स भेज दूंगा। पहले इसकी प्राइस 2299 थी, सॉरी अब इसकी प्राइस 1799 हो गई है एमएचआरडी कोर्स की। ये स्टार्टिंग से लेकर पूरा एंड तक विद मॉक सब कुछ है इसमें। ठीक है, चलो गाइस बाय।